और बड़ी जानकारी, सीएम आवास में बीजेपी नेताओं की मीटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में मौजूद हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, साथ ही विजया राहटकर भी बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक ये की जा रही है। राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया भी बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर है। तो सीएम आवास में बीजेपी नेताओं की देखिए मीटिंग जारी है, बैठक जारी है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, साथ ही सतीश पुनिया भी आपको नजर आ रहे होंगे, और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां पर बनाई जा रही है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें किस तरीके से जीती जाएं, उसको लेकर अब बीजेपी महत्वपूर्ण रणनीति बना रही है। साथ ही बीजेपी को और मजबूत करने की कोशिश भी जारी है। तो मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी नेताओं की मीटिंग जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सतीश पुनिया आपको नजर आ रहे होंगे, राजेंद्र राठौर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और दोनों ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और साथ ही दिया कुमारी भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग जारी है और राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और उन 25 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जा रही है, जिस तरीके से 2014 हो या 2019 हो, बीजेपी ने बहुमत के साथ सीटें जीती थी राजस्थान की, और वही कोशिश अब भी फिर से जारी है।